हंस तो नहीं लग रहे? हाथी। क्या है ये? कांच का विमान। देखो अंकल जी मना करेंगे अभी। ये सब सही हुआ? उतना पुराना तो नहीं होगा ये तो? नहीं नहीं ये बना। नवोग्रह है, 9 planets। अच्छा वो सब सबका सवारी है ना, सारे प्लैनेट्स का? शेर, कबूतर, बाघ, घोड़ा। अरे खुला है कल ने कैलाश नंदी जी, अन्नपूर्णा जी, श्री सिद्धि भैरव महाराज, भूत मानव भगवान शंकर जी, श्री तुलाजी महाराज, संत कुमार। अच्छा चार कुमार जो थे ब्रह्मा जी के, तो इनको भेजे थे धरती पे वंश बनाने के लिए। ये बोले नहीं, धरती पे आके ये मेरे नहीं, हम भागवत का ज्ञान देने लगे। ये गायत्री देवी सृष्टि ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी विद्या देवी माँ सरस्वती जी, गुरु जय सरस्वती, गुरु वशिष्ठ जी, महामुनि श्री वाल्मीकि जी, श्री वाल्मीकि जी, अगस्त मुनि, ये दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि, श्रृंगी ऋषि। दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आता था। हाँ, ये देखने में भी गुस्से लगते थे। ये श्रृंगी ऋषि, ये कान में है? गोकर्ण जी, ये गोकर्ण जी महाराज हैं, जयभरत जी, ये जड़ हो गए थे नारद में, विष्णु भगवान श्राप दिए थे जयभरत जी, जो अमला अर्जुन नहीं बने थे, दो ठो पेड़ जो बन गए थे वो जयभरत जी। अच्छा अच्छा, ये वेद पुराणचिता श्री वेद व्यास जी हैं। ओ वेद व्यास जी, वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज, ये हैं सुखदेव जी, भागवत कथा स्टार्टिंग में इनका नाम लेते हैं ना, यही शुरू किए भागवत कथा। और श्री कौलस्त्य जी, श्री महामुनि श्री मैत्र जी, ऋषि विश्वामित्र जी, विश्वामित्र ऋषि त्रिप्री जी, ऋषि जगत गिल जी,
अच्छा ऋषि कश्यप थे, उनकी दो पत्नी थी दीति और अदिति। अच्छा दो पत्नी थी दीति और अदिति। दीति बहुत ही अच्छी थी, अदिति अदिति हम लोग का ऋषि, हम लोग इन्हीं के वंशज वंशज हैं, भारद्वाज जी के वंशज हैं। जय गर्गाचार्य जी का जन्म करण किए थे गर्गाचार्य जी, नामकरण सोमवती अमावस्या माता श्री पूर्णिमा श्री मार्कंडेय जी श्री सोमनाथ जी श्री सौधरी जी श्री सूत जी महाराज, जो कथा जो होता है हाँ श्री सूत श्री सूत जी महाराज के ही है, श्री सूत जी कहते हैं। ये इनका शयन कक्ष है। नारद मुनि जी एकादशी आज की है, इसीलिए कहता है कुमारी कन्या जो करती है ना तो ज़्यादा फल मिलता है। एकादशी जो है कुमारी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, कुमारी है जो एकादशी का व्रत करता है कुमारी लड़की उसको बहुत ज़्यादा फल मिलता है। भाग्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी माता हम लोग का भाग्य बनाने वाली लक्ष्मी माता, धन लक्ष्मी माता, ऐश्वर्य लक्ष्मी माता, मत्स्य अवतार, वो कान्हा जी का जो मछली अवतार हुआ था ना, बारह अवतार है ना उसी में, वो वही सबका अवतार है जो बारह अवतार में है। ओ अच्छा अच्छा, मत्स्य अवतार ये फर्स्ट वाला मत्स्य अवतार, उसके बाद कश्यप कच्छप अवतार जिसमें कछुआ बने थे, वरह अवतार वरह बने थे, ये अप्सरा मेनका, नरसिंह देव अवतार, ये वामन अवतार, इनमें इनका हाइट बहुत कम था। ये भी तो छोटे बन के आए, हाँ तीन पग में पूरा दुनिया ले लिए थे। राम अवतार, ये क्या है, राजबलि, ओ राजबलि स्वरूप वामन भगवान की कृपा, राजबलि जी है वामन भगवान जो है बलराम अवतार, राम जी आए, राम जी के बाद बलराम जी, हाँ ये परशुराम अवतार, परशुराम जी जब बने, परशुराम अवतार ये हम लोग के इनके बाद, हाँ भरद्वाज मुनि जो थे, उसके बाद हुए परशुराम अवतार, हाँ उसके बाद हुए कृष्ण अवतार, उसके बाद हुए कल्कि अवतार। देखो कल्कि अवतार भी दिखा दिया, हाँ उसके गीता में है दिया हुआ, तो देखो जब सब सृष्टि खत्म हो जाएगा तब आएंगे ये कल्कि अवतार, देखो कल्कि अवतार इस रूप में आएंगे, ये गीता माता है। जय गीता माता, अप्सरा उर्वशी, विश्वकर्मा जी, जय विश्वकर्मा भगवान, आज विश्वकर्मा पूजा भी है, जय विश्वकर्मा भगवान। ये है सत्यनारायण,
श्री सत्यनारायण जी, बुद्ध जी भी नहीं, बुद्ध जी भी कृष्ण जी के अवतार। हाँ हाँ, जो बोधिष्ठ लोग कहता है ना, वो भी कृष्ण के ही अवतार है बुद्ध जी। ललिता सखी, कृष्ण जी, राधा रानी, राधा रानी की सखी थी, प्रिय सखी, ललिता सखी, और ये विशाखा सखी, प्रहलाद महाराज, फिर बालक ध्रुव पर भगवान की कृपा हुई है, विभीषण जी, रावण के भाई, फिर सुदामा जी, सुदामा कृष्ण के परम मित्र हुए, भरत जी, भरत जी महाराज, गुरु द्रोणाचार्य जी, ये गीता के सारे ना। हाँ, भीष्म पितामह, कर्ण बहुत बड़े दानी थे, द्रौपदी सहित पांच पांडव, गजेंद्र मोक्ष लीला दर्शन, वहीं पे जो कुंड था गजेंद्र मोक्ष का, माता कौशल्या और पुत्र सामिया, माता कुंती की मां, माता कुंती पांडव की माता, देव की मैया, देखो इधर माता कुंती और देव की मैया कृष्ण के साथ, ये माता अनुसुईया बालक स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, माता अनुसुईया की कहानी सुनी? नहीं सुनी हूँ। ये बहुत पतिव्रता स्त्री थी, तो इनका पतिव्रता भंग करने के लिए ये तीनों आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा मांग रहे थे तो नहीं दी। उसके बाद क्या किए, माता में इतना शक्ति था कि वो ऐसा परीक्षा लिए ना, बोले कि ऐसा माता मुझे आप दूध पिलाइए और अपने स्तन का दूध पिलाइए। ठीक है, तो माँ बोली कि हम आपको कैसे अपना ये कर सकते हैं, मतलब आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश और हम एक स्त्री। बोले नहीं, आपको भिक्षा देना होगा, मेरा यही मांग है। तब बोले हाँ ठीक है, मैं ज़रूर करूँगी। तो वो क्या करती हैं, माता में इतनी शक्ति रहती है, पतिव्रता स्त्री रहती हैं, इतनी शक्ति, जल लेती हैं, जल लेके भगवान का स्मरण करती हैं और तीनों पे छिड़क देती हैं और तीनों बालक स्वरूप हो जाते हैं और तीनों को दूध पान कराती हैं, पालना में खिलाती हैं। तब उनके पति देव जो हैं जो आते हैं तो बोलते हैं ये कौन है, तो बताती हैं ये हमारे यहाँ आए थे, ये हमारे बालक हैं। तब आती हैं तीनों की पत्नियाँ रोते हुए, माँ क्षमा कर दो माता, हमारे पति को लौटा दो। ये अहिल्या पे, ये अहिल्या भगवान, भगवान की कृपा, उनका पैर छू के उनको पत्थर से स्त्री बनाए थे। और ये माता अंजनी पुत्र हनुमान सहित, ये माता हनुमान जी की माता जी हैं, अंजनी माता, शबरी, शबरी जो बेर खिलाई थी, जूठे बेर, ये श्री राम जी की माता। सगड़ी जी जो थी ना, एक स्त्री थी, उनकी शादी हो रही थी, ठीक है, बहुत धूमधाम से। तो शादी में क्या हुआ कि बहुत सारे बकरा, जो पाठा कहती हूँ हम लोग, पाठा सब लगा हुआ था कि बराती को खिलाने के लिए, उनका वध करने के लिए। तो उसी में ये देखी कि मेरी शादी में इतने सारे हत्या होंगे, जीव हत्या, वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो वो क्या कि घर से भाग गई, मैं शादी ही नहीं करूँगी, जब मैं शादी नहीं करूँगी तो ये सारे बच जाएंगे। तो वो भाग के चली जाती हैं जंगल, जंगल जाते जाते वहाँ एक ऋषि मुनि मिलते हैं। तो ऋषि मुनि कहते हैं, ये कहती है सबरी माता कि मुझे भगवान राम कहाँ मिलेंगे, राम की कहानी सुनी थी। तो बोले कैसे, तुम यही जो गंगा घाट है ना, यही तुम ये झाड़ू लगाओ, यहाँ साफ करो, रास्ता साफ करो, यही तुमको राम दर्शन देंगे। तो उसी में राम बूढ़ी हो गई सबरी माता, उसके बाद राम आए। यही दोनों से हम लोग मनु महाराज जो फर्स्ट ह्यूमन थे अर्थ पे, हाँ, जो बनाया गया था सृष्टि, इन्हीं से हम लोग का सृष्टि हुआ है। सतरूपा माता और मनु महाराज से अयोध्यापति महाराजा इच्छावक जी, इच्छावक
इक्ष्वाकु जी, इनका क्या था डैडी? इनका क्या था? इक्ष्वाकु जी कौन थे? अयोध्या के राजा ही थे। अच्छा, पूर्वज थे ना। ज्ञान विज्ञान अग्रणी महाराजा मानधाता पृथ्वी पति श्री रथु जी पृथ्वी महाराज जिनसे पृथ्वी ये हुआ है। पृथ्वी जी से महामहिम सागर जी महाराज, जगत उधारक महाराज श्री भागीरथ जी जो गंगा को लाए हैं। अच्छा, ये पृथ्वी पृथुपति महाराज जी को लाया गया था क्या? तो पृथ्वी का ये रचना करा और महाराज श्री भागीरथ जी से गंगा जी का लाए गंगा जी के लिए। चूड़ामणि महाराजा धीराज श्री रघु जी, ये हमारे राजा रामचंद्र जी के जस्ट पहले वाले, ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हनुमान जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, राम जी, दशरथ जी महाराज, राम जी के पिताजी। पता है माँ, ये बेसिक है। जनक जी सीता मैया के, सीता मैया के पिताजी। राजा हरिश्चंद्र जी हैं। ये श्री लव कुश न भविष्य मतलब ऐसा नहीं हुआ न भूतो न भविष्य, न पहले कभी हुआ न बाद में कभी हुआ। हाँ, राजा हरिश्चंद्र जी जैसा तो कोई हुआ ही नहीं है ना कभी होगा। ये लवकुश हैं सीता मैया के साथ, बिल्कुल अपने पिता के समान ही। भरत जी, परीक्षित महाराज, यही परीक्षित जी महाराज गए और हम लोग का कलयुग आ गया। हाँ, परीक्षित जी महाराज नहीं जाते तो कलयुग नहीं आता। जाना तो था ही, कलयुग को आना ही है। इन्हीं को ना सांप काटा था, जो ऋषि जो श्राप दिए थे इन्हीं को श्राप दिए थे ना कि आपको सातवें दिन मृत्यु होगी। तो सात दिन का भागवत कथा सुने थे। अर्जुन के पुत्र हैं ये राजा परीक्षित। अच्छा, अर्जुन जी के पुत्र। अर्जुन नहीं, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र पुत्र परीक्षित राजा परीक्षित जो इनको सारे जब पांडव जाने लगे तो इनको 12 साल की उम्र में ही राजगति दे दिया गया और वो सब चले गए लीला समाप्त करके। बोले अब तुम राजगति संभालो। लेकिन राजा परीक्षित जी बहुत ही अच्छे इंसान थे, अपने राज्य में ये बहुत नाम था इनका। उसी में जब कलयुग आने वाला था तो ये अपने पूरे राज्य को गए थे घोड़ा में चढ़ के सैर करने के लिए, देखने के लिए कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। उसी में ये ऋषि जो है, क्योंकि कलयुग आने वाला था, शनकादि ऋषि जो है थे ध्यान में, तो उनसे ये पानी मांगते हैं तो पानी वो नहीं सुनते, ध्यान में थे तो ये मरा हुआ सांप जो था तक्षक नाग वो उठा के उनके गले पर डाल दिया।